कानपुर से सीसामऊ से एसपी के विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियां जब्त होंगी। बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईडी उनके कानपुर मुंबई की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने महाराजगंज जेल में विधायक इरफान सोलंकी से 4 दिनों तक पूछताछ की। इस बीच इरफान सोलंकी की परेशानी और बढ़ने वाली है। इरफान सोलंकी के करीबी एसपी नेताओं से ईडी फिर से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि ईडी इरफान सोलंकी की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और विधायक इरफान सोलंकी से जेल में कई घंटे तक पूछताछ हुई और कई दिन तक चली, जिसके बाद अगर सूत्रों की माने तो ईडी अब कस्टडी रिमांड पर उसे लेगी और एक बार फिर से कानपुर आ सकती है और इरफान से जुड़े लोगों से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व के दिनों में ईडी ने छापेमारी की और उसके हेल्पिंग हैंड्स के यहाँ से कुछ दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद ईडी की जाँच का दायरा बढ़ा और अब ईडी ने जहाँ एक और इन संपत्तियों के ब्यौरों को इकट्ठा करने के बाद विधायक से कई घंटे तक पूछताछ की, तो उस पर यह भी माना जा रहा है कि अब कस्टडी रिमांड भी ली जाएगी और आने वाले समय में विधायक इरफान सोलंकी की परेशानियां और बढ़ेंगी। विजिलेंस स्टार आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।